नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। जैसे कि प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं अथवा हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। उत्तर है, ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण करके उसमें हरे पौधों को उगाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण किया जाता है और उस कांच के घर में हरे पौधों को उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है वह कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु टकराने के कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है। सूर्य के प्रकाश में जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है वह कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु टकराने के कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है। सूर्य के प्रकाश में जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है वह कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, परंतु टकराने के कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है। सूर्य के प्रकाश में जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है वह कांच के घर में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन टकराने के कारण तरंग दैर्ध्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण में नहीं लौट पाती है। इसके फलस्वरूप कांच के घर का ताप वायुमंडल से अधिक रहता है और इसके फलस्वरूप कांच के घर का ताप वायुमंडल से अधिक रहता है। इस घटना को हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और इस घटना को हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।